थाना गागालेडी पुलिस द्वारा 3 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाना गागालेडी पुलिस टीम द्वारा 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना गागालेडी पुलिस टीम द्वारा 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण अकरम व मोमिन ने पूछताछ में बताया कि हम लोग मोटरसाइकिलों को अलग अलग जगहों से चोरी कर इकट्ठा करते हैं तथा इनके चेंजिस नंबर व इंजन नंबर तथा मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन प्लेट को हटा देते हैं, जिससे कि मोटरसाइकिलों की पहचान न हो सके। बिलाल द्वारा बताया गया कि आज मुझे अकरम व मोमिन ने कहा था कि हम लोग 4 मोटरसाइकिल लेकर आएंगे, तुम पैसे तैयार रखना, और मुझे ग्राम गागालेडी में बुलाया था, जिससे मैं इन मोटरसाइकिलों को आने जाने वाले किसी भी वाहन में रखकर अपनी दुकान भगवानपुर में ले जाकर इन मोटरसाइकिलों का स्क्रैप बनाकर आगे बेच दिया करता हूँ। हम लोगों ने पूर्व में भी बिलाल को कई बार मोटरसाइकिल व सरसावत क्षेत्र व यमुना पार कर आसपास के गाँव के खेतों से चोरी किए गए समर्सेबल, टल्लू पंप व स्टार्टर, बिजली की मोटर आदि इकट्ठा करके बिलाल को बेची है, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है, जिसे हम अपने खाने खर्चे व शौक पूरे करने में खर्च कर देते हैं। सहारनपुर से अब्दुल रहमान की खास रिपोर्ट। गागालेडी पुलिस द्वारा ये गैंग पकड़ा गया है जो सरसावा और नकुड़ के क्षेत्र में मोटर और ये छोटी मोटी चोरियां कर रहा था। इसमें से एक जो अभियुक्त है जो यमुनानगर से पकड़ा गया, उस पर पुराना 302 का मुकदमा भी मिला और इनकी निशानदेही पे कुछ मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसपे जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर पिटे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है वो चोरी की मोटरसाइकिल हैं। इन्हीं के गैंग्स में एक कबाड़ी भी हमने आज जेल भेज रहे हैं, जिससे जो इनसे मोटर खरीदता था कम दामों में और उनको मेल करके उनको वो करके उनकी खपत करता था। तो इस तरह से कुछ हमारी सरसावा क्षेत्र की और नकुड़ क्षेत्र की जो पुरानी मोटर चोरियाँ थी वो भी आज वर्कआउट हुई हैं और ये एक गैंग है जो काफ़ी समय से यहाँ पर यमुनानगर से आकर चोरियाँ कर रहा था, जिसको आज पकड़ लिया गया है। जी, अभी पूछताछ में इनके द्वारा अभी पूरी बात बताई नहीं गई है। ये जो मोटरसाइकिल है इनके इंजन नंबर चेसिस नंबर से हम ट्राई करते हैं इनके ओनर तक पहुँचने में, और जहाँ भी इन्होंने संबंधित थाने में जब FIR लिखवाई होंगी उसको हम कनेक्ट करेंगे मुकदमों से। अभी तक इनमें मोटरसाइकिल कनेक्ट नहीं हो पाई है।